मौत, जिसको सुन मानो सबकी रूह कांप जाती है, और जब किसी की मौत आती है तो उसे भनक तक नहीं होती। कहते हैं ना कि मरना और जीना संसार की रीत है, जिसको कोई बदल नहीं सकता। दादा और दादी अपने पोते की सलामती के लिए सफीदों आए थे, लेकिन ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। पानीपत के गांव उरलाना कला के पास मोटरसाइकिल सवार दंपत्ति को एक कार ने टक्कर मार दी। टक्कर लगने से दंपत्ति की मौके पर मौत हो गई, वहीं बाइक पर सवार उनका पोता गंभीर रूप से घायल हो गया। दो गए थे, दो को मारा जी। दो तो दो को मार करके उनसे नाम है भाई, ये जो एक्सीडेंट हो रहा है। पुराना कौन कौन थे जी? एक पोता था, मेरी बहन थी, मेरा जीजा था। कहां के रहने वाले थे जी? ये रामगढ़ के रहने वाले हैं जी, सैनीपुरा के पास। दोनों की मौके पर मौत? हाँ जी, दोनों की मौत हो गई। पोते की टांग टूट गई जी। कैसे हुआ ये, किस चीज के साथ हुआ? कार के साथ होया जी। ये लोग बाइक पे थे? हाँ जी, ये लोग बाइक पे थे जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम पासो देविया जी, इसकी बहन हो गया पानीपुत्र। उम्र कितनी थी जिनकी? उम्र जी 45 साल हो गई थी मेरी बहन की। वो बीमार थी, हो रही थी वो मरी, वह ज्यादा उम्र की लगे थी मेरी बहन। गोहाना निवासी सूरज मल अपनी पत्नी और पोते के साथ सफीदो तीर्थ स्थल पर पूजा अर्चना करने के लिए आए थे। वो पूजा अर्चना करके जब वापस जा रहे थे तो रास्ते में उरलाना रोड पर उनकी बाइक किसी अज्ञात कार से टकरा गई। टक्कर लगते ही सूरजमल व उनकी पत्नी की मौके पर मौत हो गई, वहीं उनका 6 साल का पोता नैतिक गंभीर रूप से घायल हो गया। सर ऐसा है, तो एक बुजुर्ग था सूरजमल रामगढ़ का, और उसकी पत्नी थी गुप्पी, और एक पोता था जी 6 साल का। ये अपने रामगढ़ से सफीदों की तरफ धोख मारने के लिए जा रहे थे जी, तीर पर। रास्ते में डुमियाना से उरलाना की रोड पर ना ये कार वाले ने टक्कर मार दी इनको। बुजुर्ग दंपत्ति की मौके पर ही मौत होगी, जो पोता है 6 साल का उसकी टांग में चोट आई। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम हाउस में रखवा दिया जी, आगे कार्रवाई जारी है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सामान्य अस्पताल के शव गृह में रखवा दिया है। वहीं घटना को अंजाम देकर आरोपी कार चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी पुलिस तलाश करने में जुटी है। पानीपत से सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।